हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। बारिश का मौसम चल रहा है तो क्यों ना आज कुछ हम चटपटा बनाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल के क्रिस्पी और करारे आलू के पकौड़े, जो खाने में तो स्वादिष्ट है ये फ्रेंड्स, और साथ में इसे बनाना भी बहुत ईजी है। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ और अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कटोरी मूंग दाल लिया है, जिसे हमने 2 से 3 पानी धो लिया है, और धोने के बाद इसे 2 से 3 घंटा हम सोक करके रखेंगे, और सोक करने के बाद इसका सारा पानी हम फेंक देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छी फूल चुकी है और अच्छी सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो 4 आलू लेंगे हम इसमें, और 1/2 टीस्पून हींग लेंगे, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टेबलस्पून सौंफ लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां लेंगे, 2 हरी मिर्ची लेंगे, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे, 3 टेबलस्पून हम राइस फ्लावर लेंगे, 1 टीस्पून जीरा, और 1 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून हम चाट मसाला पाउडर लेंगे। तो दाल को पीसने के लिए हमने यहाँ पे एक मिक्सी का पॉट ले लिया है, तो इसमें हम दाल ऐड करेंगे। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे और हरी मिर्ची ऐड करेंगे, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो पीसते वक्त हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। ये दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है, तो बिल्कुल इसी तरह का टेक्स्चर हमको चाहिए पकौड़े के लिए। तो इसे अब हम बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो हींग ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे हमारे पकौड़े में अच्छा कलर आएगा, सौंफ ऐड करेंगे, चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये दाल में हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस बनाने के लिए अब हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे, इससे जो हमारे पकौड़े वो अच्छे कुरकुरे बनेंगे, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। तो अब हम आलू को कट कर लेते हैं पकोड़े के लिए। तो यहाँ हमने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसे हमने छील के पानी में डाल दिया है, ताकि जो आलू है वो काले ना पड़े। तो इसे अब हम कट कर लेते हैं पकोड़े के लिए। तो इस तरीके से इसे हमें लंबा लंबा कट कर लेना है। ये आलू के हमने पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं, तो अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल को अच्छा गरम कर लिया है। अब हम आलू के स्लाइस लेंगे और इसे बैटर में डिप कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे कोट कर लेंगे और ऑयल में ऐड करते जाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम करके इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे, जिससे कि जो हमारे आलू हैं वो कच्चे ना रहे, और इससे जो हमारे पकौड़े वो अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। और बीच बीच में हम इसे फ्लिप करते जाएंगे, जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी ये पकौड़े बनते हैं फ्रेंड्स। ये पकौड़े हमारे अच्छे गोल्डन और क्रिस्प हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे आलू के मूंग दाल के पकौड़े। तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये चाय के साथ। तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे आलू के पकोड़े। और इसी तरीके से हम बाकी पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे मूंग दाल के क्रिस्पी आलू पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो आप भी इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।